नेक्स्ट पार्ट है डाइपोल तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी और D क्या है माइनस से प्लस ये डाइपोल मोमेंट है कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इसके लिए सिग्मा क्यू जीरो होना जरूरी है नेट चार्ज जीरो होना जरूरी है तो जैसे अगर एक इधर है एक इधर है ये डिस्टेंस ए है ये डिस्टेंस बी क्यू 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 ये डाइपोल नहीं है डाइपोल कब बनेगा जैसे ये थ्री क्यू है अब भी डाइपोल नहीं है लेकिन अब ये डाइपोल है क्योंकि टोटल प्लस और टोटल माइनस बराबर है तो एक माइनस और प्लस का पेयर नीचे तो क्यू इन टू ए माइनस जे क्या और एक टू क्यू इन टू बी और माइनस से प्लस माइनस आई कैप ये डाइपोल मोमेंट था और इसमें दूसरा पॉइंट है इंटरैक्शन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल हम बात कर चुके हैं वैसे मैंने पोटेंशियल के बारे में बात नहीं की थी कि कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू डाइपोल ये मैंने मिस कर दिया था तो इसके लिए एक्सीएल पोजीशन तो एक्सीएल पोजीशन पे तो पोटेंशियल जीरो है क्योंकि क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर इक्वल टू जीरो तो एक्सीएल प्लेन पे पूरे पे सॉरी सॉरी इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे पूरे पे आंसर जीरो है एक्सीएल पे तो माइनस इधर है प्लस इधर है यहां से डिस्टेंस आर पे अगर हम निकालें तो ये डिस्टेंस टू ए ए क्यू क्यू तो प्लस की वजह से के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस की वजह से के क्यू बाय आर प्लस ए ये पोटेंशियल आएगा इसी को सिंप्लीफाई करो तो टू के क्यू ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यू ए को पी लिख सकते हैं तो के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अगर आर काफी बड़ा हो तो वोल्टेज आएगा के पी बाय आर स्क्वायर ठीक है और जनरल केस में हम बात कर चुके हैं पहले लेकिन यहां से हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो डायपोल का ये कंपोनेंट पी थीटा है p पी थीटा पी साइन थीटा की वजह से पोटेंशियल आएगा नहीं क्योंकि पी थीटा का इक्विटोरियल है पी थीटा की वजह से पोटेंशियल आएगा और इक्विटोरियल का पोटेंशियल है के पी थीटा और डिस्टेंस लार्ज है तो आर तो ये पोटेंशियल के कैलकुलेशन है चलो नाउ कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क इसके प्रूफ पूछे जा सकते हैं ठीक है तो इनके प्रूफ हम लिख लेते हैं तो पहला जैसे कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क या टॉर्क का प्रूफ कि पी क्रॉस ई कैसे आया तो ये माइनस ये फिगर बनाएंगे और इस पर फोर्स आएगा क्यू ई ये डिस्टेंस एल और लिख सकते हैं कंसीडर अ डाइपोल अलाइंड एंगल थीटा विथ फील्ड एज शोन नाउ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू तो इसके लिए क्यू ई इन टू इस पर क्यू तो ये कपल लगा क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये बना क्यू ई इंटू एल साइन थीटा और इसी से कंक्लूजन आया कि क्यू ई क्यू ई को हमने लिखा पी ई साइन थीटा और चूंकि ये वेक्टर है तो टॉर्क कैन बी रिटन एज पी क्रॉस ई ठीक है तो ये टॉर्क का प्रूफ कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो वंस अगेन फिगर ये होगा ये थीटा होगा ठीक है अब देखिए सिंस पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डी यू इज इक्वल टू माइनस वाकडन आएगा टॉर्क इंटू डी थीटा अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में डी थीटा इस तरफ है और टॉर्क उल्टा है तो टॉर्क इंटू डी थीटा इंटू कॉस वन एटी इलेक्ट्रिक टॉर्क इस तरफ है और थीटा इस तरफ बढ़ रहा है तो टॉर्क इंटू डी थीटा इंटू कॉस वन एट्टी तो ये आया टॉर्क तो माइनस और कॉस वन एटी कट गया तो टॉर्क आया पीई साइन थीटा डी थीटा डी यू ना इंटीग्रेटिंग तो u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा ठीक है माइनस पीई कॉस थीटा प्लस सी आता और एट थीटा इक्वल टू नाइनटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो क्यों थीटा 90 पे ये माइनस और प्लस ऐसे हो जाएंगे बोथ माइनस एंड प्लस आर एट इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस जब थीटा 90 है डाइपोल ऐसा हो गया तो दोनों का इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल है तो क्यू इन टू और क्यू इन टू आपस में कट तो C गए तो सी की वैल्यू आ गई जीरो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस कॉस थीटा और इसी को पी डॉट e का नेगेटिव लिख सकते हैं ठीक है? और ये कंसीडर वाली लाइन इसके ऊपर छाप लेंगे। तो ये इस तरीके से स्कूल में प्रूफ लिखना है ठीक है टॉर्क का प्रूफ सीधे सीधे है, एनर्जी का प्रूफ टॉर्क डी थीटा का इंटीग्रेशन इसकी एनर्जी आ गई तो पी साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस पी कॉस थीटा हो गया काम अपना तो ये दोनों स्कूल में आ सकते हैं तो आप ये अपडेट कर लीजिए अपने नोट्स को चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर कैपेसिटर में पहले हम डिस्कस करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कुछ और नहीं इंसुलेटर का ही दूसरा नाम है इन इलेक्ट्रिक फील यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का केस है यह इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड यह पूछा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था ठीक है जो ही हम एक कंडक्टर इसमें लाएंगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसा था बिना कंडक्टर की प्रेजेंस के जो ही कंडक्टर लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो जाएगा और कैसा इस तरह से ठीक है और अंदर इलेक्ट्रिक फील जीरो हो जाएगा लेकिन डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील अंदर इलेक्ट्रिक फील जीरो नहीं होगा कम जरूर होगा तो हम इसमें बहुत ही स्पेशल केस की बात करेंगे ये और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनाने वाले हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील ऐसा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इस तरह था तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके जो डाइपोल्स हैं ठीक है चार्ज नहीं है इस पर इसके जो डाइपोल्स हैं वो डाइपोल एक डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो जाएंगे कैसे पैरल टू इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे तो इसके डाइपोल सभी पैरल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो गए और सभी अलाइन हो गए तो ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट जुड़ के हम सबका नेगेटिव यहां लिख लें सबका पॉजिटिव यहां लिख लें और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा आ जाएगा और अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन कुछ कम तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन साइड इज इक्वल टू ई माइनस ई इंड्यूस्ड और ई इन साइड हमें पता है ई बाय के होगा माइनस ई इंड्यूस्ड तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई वन माइनस वन अपॉन की तो जो इंड्यूस वाला है जो इंड्यूस मतलब ये जो प्लस और माइनस के जो डाइपोल बने हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में पैदा हुआ है ठीक है वो हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के पैरेलल है सॉरी ई e के एंटी पैरेलल है और ये इसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा ई e कौन सा था हमारा एक्सटर्नल तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगा और कैसे ई e इसका है ई e ये वाला है ई वन माइनस के इस तरफ है और दोनों कट गए तो ई बाय के आंसर बचा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहां ई बाय के यहां ई e. ठीक है तो इसका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड डाई इलेक्ट्रिक बिकम्स वन अपॉन के टाइम्स तो हम क्यों लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डाइपोल्स अलाइन हो गए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये डाइपोल कुछ ऐसे रहे होंगे रैंडम डायरेक्शन में तो यहां डाइपोल मोमेंट जीरो है लेकिन यहां इस हिस्से का डाइपोल मोमेंट पी नेट नॉन जीरो आ गया इसीलिए इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं कि कितना ये पोलराइज हो गया और चूंकि ये इसके प्लस माइनस का नेट डाइपोल बन गया है तो इनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में आया होगा जो उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लगाएगा और रिजल्ट को वन बाय के कर देगा तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा कि पोलराइजेशन क्या है ठीक है हा इसकी डेफिनेशन मैं चाहूंगा कि लिख लें आप एनसीआरटी से ढूंढ के ठीक तो है तो डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड यही पोलराइजेशन है तो पोलराइजेशन क्या है इंडक्शन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट या क्रिएशन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड डाईलेक्ट्रिक इसे पोलराइजेशन कहता है बाकी कैपेसिटर में कुछ खास नहीं है चल तो कैपेसिटेंस इसकी डेफिनेशन कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज डेफिनेशन मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस is अप्लाइड across इट ठीक है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये डेफिनेशन आप छापें डेफिनेशन आप एनसीआरटी से लिखिएगा हां दूसरी डेफिनेशन अगर एनसीआरटी में ना दी गई हो तो ये है न्यूमेरिकली कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन है इज इक्वल टू amount of charge flown your charge stored when 1 unit potential difference is applied so q equal to cv so capacitance is equal to q by v तो ये अपने आप में वैसे इनफ डेफिनेशन है तो अगर स्कूल में आता है तो आप ये डेफिनेशन लिखिए ऊपर अगर लिखना चाहें तो एनसीआरटी से देख लें कि कैसे लिखना है ठीक है अदरवाइज इससे काम चल जाएगा पूरा आपका ठीक है इसकी यूनिट फेराड ठीक है वैसे फेराड की जगह माइक्रो फेराड या एमएफडी यह यूज होता है ये माइक्रो फेराड ही है एम एफ डी लिखा होता है माइक्रो फेराड या μF। ये जनरली कॉमन यूनिट है क्योंकि फेराड काफी बड़ा कैपेसिटेंस है ठीक है तो माइक्रो फेराड, पिको फेराड, नैनो फेराड ये कैपेसिटेंस प्रैक्टिकली यूज होते हैं चलो नेक्स्ट दो तरह के कैपेसिटर स्कूल में पूछे जाएंगे प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर ठीक है तीसरा पूछा नहीं जाता है सिलेंड्रिकल लेकिन मैं लिख देता हूं तो तीन तरह के कैपेसिटर तीनों में कैपेसिटेंस प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल एक सा है हम क्या करेंगे ये वोल्टेज भी लगाएंगे यहां से चार्ज फ्लो करेंगे तो इस पर आएगा क्यू इससे भागेगा तो इस पर आएगा माइनस क्यू तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डेवलप हो जाएगा ठीक है तो ये अपना फिगर हो गया इसका सेपरेशन डी एरिया ठीक है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ये निकालेंगे और यहां से दिख रहा है भी और यहां से दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस यहां से आया भी इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाय एप्सलॉन नॉट A इंटू डी तो Q इज इक्वल टू एप्सलॉन नॉट A बाय डी इंटू वी ऑन कंपेयरिंग विथ Q इक्वल टू सी भी कैपेसिटेंस इज नॉट ए बाय डी ठीक है तो ये लिखेंगे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको कनेक्ट करेंगे बाकी ये एग्जैक्टली exactly यही तीनों में करना है मतलब अगले में भी यही करेंगे कि हम इसको एक प्लेट से कनेक्ट करेंगे इस पर प्लस आएगा इसकी इनर सरफेस पर माइनस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन आर वन से आर टू ठीक है दरअसल नेगेटिव आएगा ठीक है लेकिन हमें नहीं पता हम किस में से किसको घटा रहे हैं तो हम इनिशियल में से फाइनल फाइनल में से इनिशियल घटाते तो प्लस आता इनिशियल में से फाइनल घटाएं तो माइनस कट जाएगा इसीलिए हम माइनस यहां नहीं लगा रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस आया इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड सिर्फ नीचे वाले की वजह से आएगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्यू की वजह से आएगा ये बनेगा और इसका इंटीग्रेशन आया क्यू बायर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू यह पोटेंशियल ठीक है थीके? क्यू इज इक्वल टू फोर पाई एप्सलॉन नॉट आर वन आर टू आर टू माइनस आर वन भी ऑन कंपेयरिंग Q इक्वल टू सी भी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फोर पाई एप्सलॉन नॉट आर टू आर वन आर टू माइनस आर वन ठीक थर्ड क्वेश्चन में भी मोर ऑल लेस यही करने वाले हैं एक इससे एक यहां कनेक्ट करेंगे इस पर प्लस आएगा इस पर माइनस आएगा इस पर लेमडा इस पर माइनस लैमडा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस वही आर वन से आर टू ई डॉट डी आर ई है लैमडा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर आर वन से आर टू पोटेंशियल डिफरेंस है वी ये बना लेमडा बाय टू पाई एफ्सलॉन नॉट लॉग आर टू बाय आर वन लेकिन हमें क्यू चाहिए था वहां है तो क्यू इक्वल टू सी भी कंपेयर करते तो तो यहां अगर लैमडा इक्वल टू सी भी कंपेयर करेंगे तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ मिलेगा या लेमडा को क्यू बाय एल से रिप्लेस कर देता हूं लॉग आर टू बाय आर वन थ क्यूक्वल टू सीवी तो कैपेसिटेंस सेटेंस टू पाई एप्सलॉन नॉट एल लॉग आर टू बाई आर वन यह कैप आ गया ऑन कंपेयरिंग तो ये अंग्रेजी लिख लोगे ठीक है तो एक कंपेयर करके ये हमने तीन के लिखे वैसे जनरली यही पूछा जाएगा बाकी दो में दिख रहा है कि कैसे करना है कैपेसिटेंस कैसे निकालना है नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो कैपेसिटर में अगर हमने कोई डाई स्लैब थिकनेस की डाली तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना होता ठीक है तो यहां पे क्यू दिया यहां माइनस क्यू दिया अब मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो इसके लिए हमारे पास अप्रोच है एक तो ये सीरीज में कर दो कि इसका इसका और इसका सीरीज में लिख सकते हैं और तीन सीरीज का कॉम्बिनेशन सीधे वन अपॉन सी करके आप जोड़ दो कि द गिवन कॉन्फिग्रेशन कैपेसिटर कैन बी रिटन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ये टोटल डिस्टेंस डी है मैं इसको एक्स मान सकता हूं इसको एक्स मान सकता हूं ऑफ थ्री कैपेसिटर्स ये है एप्सलॉन नॉट ए बाय एक्स एप्सलॉन नॉट के ए बाय टी और एप्सलॉन नॉट ए बाय वाय नाउ वन अपॉन सी क्यूलेंट इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस टी बाय्लॉन नॉट के ए प्लस नॉट ए और इससे यह पता चला कि सी क्यूवेलेंट इज इकल टू एप्सलॉन नॉट ए बाई एक्स प्लस वाई प्लस टी बाय के और राइटिंग एक्स प्लस वाई एज डी माइनस टी बाय के ये हमारा सीख इक्विवेलेंट है तो इंसर्शन ऑफ स्लैब का प्रूफ इसके स्पेशल केसेस कि अगर हमने पूरे में भर दिया होता स्लैब तो कैपेसिटेंस आता एप्सिलॉन नॉट के ए बाय दूसरा अगर हमने यहां पे ये मेटल लिया होता तो के इन्फिनिटी आ जाता ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के वाला टर्म के इन्फिनिटी हो जाता तीसरा अगर हमने पूरे में ही मेटल भर दिया होता तो मेटल भर दिया होता तो डी माइनस टी ये टर्म जीरो हो जाता टी बाय के इन्फिनिटी करके ऊपर पहुंच जाता कैपेसिटेंस इन्फिनिटी ठीक है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आई नहीं पाएगा कभी क्यू इक्वल टू सी से कंपेयर करो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा अगर कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस इंफिनिटी मतलब आप कभी इसको फुल्ली चार्ज नहीं कर पाओगे क्योंकि जो ही आप चार्ज दोगे वो फ्लो होता रहेगा तो ये स्पेशल केसेस हैं चाहे तो चौथा स्पेशल केस और लिख लें कि अगर यहां मेटलिक स्ट्रिप होती शीट अकेली डाली होती थिन तो सी इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता एप्सोलॉन नॉट ए बाई डी आती क्यों टी की वैल्यू जीरो हो जाती ये मर जाता एप्सोलॉन नॉट ए बाय डी आता तो थी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता थिक शीट डालने से फर्क पड़ता है और अगर थिक शीट डालोगे तो फर्क क्या पड़ेगा ये तो कैपेसिटेंस नया बदल के इतना हो जाएगा ये स्पेशल केसेस हैं इसके नेक्स्ट प्रूफ फॉर सीक्वलेंट इक्विवेलेंट का प्रूफ इन सीरीज इन पैरल इंपॉर्टेंट है तो so, सीरीज में हम प्रूफ ऐसे लगे रखेंगे इससे चार्ज क्यू फ्लो किया तो इस पे चार्ज क्यू इस पे चार्ज क्यू इस पे चार्ज क्यू कैपेसिटेंस सी वन कैपेसिटेंस सी टू कैपेसिटेंस सी थ्री यहां ड्रॉप भी वन ड्रॉप भी टू ड्रॉप V3 और लिखेंगे इन सीरीज चार्ज ऑन कैपेसिटर्स आर सेम वाइल पोटेंशियल ड्रॉप में बी डिफरेंट में बी डिफरेंट ये ऊपर लिखेंगे उसके बाद ये फिगर आएगा नाउ वी नेट इक्वल टू V1 plus V2 plus V3 or V net can be written as C equivalent, sorry, Q by C equivalent and this is equal to Q by C1, Q by C2, Q by C3. So, 1 upon C equivalent, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. हाँ, इसका मतलब क्या है यह हालांकि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि अगर मैं इन तीनों को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करता और वही चार्ज भेजता तो जो वोल्टेज इन तीनों पे मिलके आया है वो अकेले इस पे आना चाहिए तो अगर इसको सिंगल से रिप्लेस करोगे तो जो इनका वोल्टेज ड्रॉप है वही इसका है जो इनका चार्ज है वही इसका है और कंपेयर कर दिया ठीक इन पैरल तो इसमें लिखेंगे इन पैरल potential differences across each capacitor is same while charge may be on them may be different थोड़ी सी अंग्रेजी लिख दी अगला पॉइंट कि हम ये बनाने वाले हैं और यहां Q1

इस तरह लिखेंगे ठीक है छाप लो नेक्स्ट प्रूफ फॉर एनर्जी ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मीन्स क्यू स्क्वायर बाय टू सी इसका प्रूफ तो इसके लिए हम यह करेंगे कि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इसकी कितनी है ठीक है तो इसके लिए लिखेंगे लेट अ चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट बी क्यू एनी इंस्टेंट टी बी क्यू एंड वी एज्यूम दैट डी क्यू चार्ज डिपॉजिट ऑन इट इन डी टी टाइम फिगर ये डी क्यू है ये क्यू है एनर्जी स्टोर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड. इट डी यू इज इक्वल टू dQ क्यू इन टू पोटेंशियल इंटू पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटी तो ये हमारा कंक्लूजन ये है कि हम इन्फिनिटी से एक डी क्यू ला के इस पर रखें तो इन्फिनिटी पे वोल्टेज जीरो था इस पे वोल्टेज क्यू बाय सी है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमें वर्क करना पड़ेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज क्यू बाय सी तो ये डी यू है ऑन इंटीग्रेटिंग तो डी यू का इंटीग्रेशन q बाय सी डी क्यू इंटीग्रेशन जीरो से u जीरो से q तो एनर्जी स्टोर्ड इज q स्क्वायर बाय टू सी मींस एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर चार्ज टू चार्ज q इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय टू सी ऑब्वियसली दिस विल बी हाफ सी वी स्क्वेर एंड दिस विल भी हाफ क्यू इन टू वी ऑल्सो वी क्या है फाइनल वाला ठीक है तो ये इसका प्रूफ लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शेयरिंग ऑफ चार्जेस शेयरिंग ऑफ चार्जेस है कि अगर एक कैपेसिटर सी वन चार्ज टू वोल्टेज भी एक कैपेसिटर C2 टू चार्ज टू वोल्टेज भी टू फाइंड कॉमन पोटेंशियल एनर्जी रिलीज वैसे इसका न्यूमेरिकल ही आएंगे सीधे सीधे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं लेकिन हम इसको सॉल्व कर, करते हैं लेट चार्ज Q फ्लोज इन द सर्किट हमने माना चार्ज क्यू फ्लो किया तो क्यू फ्लो किया तो इस पर आ गया सी वन वी वन माइनस क्यू इस पर सी टू वी टू प्लस क्यू और ठीक है यूजिंग के वी एल इन लूप तो के वी एल क्या है सी वन वी वन माइनस क्यू बाय सी वन यहां से बढ़ा यहां से घटा c2v2 टू वी टू प्लस क्यू बाय सी टू इक्वल टू जीरो तो q की वैल्यू चार्ज फ्लोन c1v1 वन वी वन माइनस सी टू वी टू बाय सी वन प्लस सी टू क्यू की वैल्यू नहीं सॉरी गलत लिखी, c1c2 वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू फ्लोन है और बात समझ में आ रही है इस फॉर्मूले में क्योंकि अगर वी वन और वी टू बराबर हो जाते तो चार्ज फ्लोन जीरो आना चाहिए था ठीक है इसी में फाइनल चार्जेस लिखते या फाइनल कॉमन पोटेंशियल क्योंकि फाइनली तो वोल्टेज दोनों का बराबर आएगा तो वी वन इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू तो चाहे मैं सी वन वी वन माइनस सी वन करूं या सी टू वी टू प्लस सी टू करूं क्योंकि चाहे इसका चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस ये करूं बात तो सेम है ऑन सब्सिट्यूटिंग स्मॉल क्यू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाय सी वन प्लस सी टू ये फाइनल कॉमन पोटेंशियल है इसी में हीट रिलीज हीट रिलीज आएगी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी ये हीट रिलीज है

सेम पोलरिटी है तो वी वन वी टू प्लस है इस फॉर्मूले के हिसाब से अपोजिट पोलरिटी होती तो यहां एड हो जाता यहां एड हो जाता और बात सही भी है कि अगर दो कैपेसिटर मैंने कहा ये दो वोल्ट पे है ये दो वोल्ट पे है। अब आप कहो कि चार्ज फ्लो होगा नहीं दोनों दो वोल्ट पे हैं ये बिल्कुल सही होता अगर सेम पोलरिटी के साथ दो वोल्ट होते अब चार्ज फ्लो नहीं होगा लेकिन अगर ऐसे हो गया तो पक्का फ्लो होगा क्योंकि एक दो वोल्ट है तो दूसरा दो नहीं है माइनस दो है ठीक है तो ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस का प्रूफ है प्रूफ तो मैंने कभी देखा नहीं आते हुए लेकिन स्टिल आपको समझ में आना चाहिए लिखते कैसे हैं एग्जाम्पल वन मैं सैंपल पेपर के ही क्वेश्चन ले रहा हूं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं वैसे A C1, C2, C1, C2, C3, 12 volt, C1 वोल्ट सी वन इक्वल टू सी टू इक्वल टू सी थ्री इक्वल टू सिक्स माइक्रो फेरा फाइन चार जॉन इच सी क्यूवेलन एनर्जी इन सर्किट ठीक है तो मैं तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं ही देता हूं पहले फिर हम इनको सॉल्व करेंगे चलो तो तीन एग्जाम्पल मैं तीनों को सॉल्व करके दिखा रहा हूं लिखते कैसे ठीक है क्योंकि आंसर क्या आएगा ये बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि ये तो आप डायरेक्ट कर ही लोग तो पहला था चार्ज ऑन इच दूसरा सी इक्विवेलेंट तीसरा एनर्जी स्टोर तो हाँ ये छापने की जरूरत नहीं कॉपी में वैसे आप बस देख लीजिए लिखना कैसे ठीक है तो चार्ज ऑन इच यह सिक्स माइक्रोफेराड था तो हम क्या करेंगे ये फिगर फिर से ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से सिक्स माइक्रो फेराट ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ सी वन सी टू सी टू तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू तो सी ट आ गया तीन माइक्रो तो चार्ज ऑन सी वन एंड सी टू बोथ इज इक्वल टू सी क्यूवेलेंट इंटू भी तो थ्री इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्स माइक्रो कूलम नाउ चार्ज ऑन सी थ्री ज ड्रॉप्रॉस सी थ्री सी थ्री सिक्स वोल्टेज कितना है ट्वेल्व सेवेंटी टू है वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि यहां यूनिट लिखिए माइक्रो माइक्रोफेराड ट्वेल्व पहला पार्ट हो गया मतलब जो हम कर रहे हैं वही बस लिखते गए ठीक है कि पहले हम क्या करते हैं इनका निकालने के लिए पहले सी इक्विवेलेंट निकालते फिर सीधे मल्टीप्लाई करते क्योंकि तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल है पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरल तो इसके ड्रॉ अक्रॉस ड्रॉप बारह इसके एक्रॉस ड्रॉप है तो पहले पार्ट का आंसर दूसरा पूछा था सीक्वेलेंट सीक्वेलेंट ऑफ सर्किट इज इक्वल टू सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सी वन एंड सी टू आर इन सीरीज and its combination is in parallel to C3. ठीक है तो ये लिख दिया और इसके बाद आपने सीधे रिजल्ट लिख दिया तो यह आया सिक्स इंटू सिक्स बाय सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू नाइन माइक्रो फेरा आंसर। तीसरा पूछा था एनर्जी स्टोर्ड बाय नेटवर्क जल टू हाफ सी इक्वेलेंट वी स्क्वाइन इक्विवेलेंट कितना है v कितना है ट्वेल्व वोल्ट का होल स्क्वायर स्क्टी फोर तो सेवेंटी टू इंटू नाइन माइक्रो जूल खास बात देखिए कि जितने भी मैं सॉल्व कर रहा हूं हमेशा क्या करता हूं फॉर्मुला यूज फिर वैल्यू सब्सिट्यूट करता हूं यही थंब रूल बनाए रखिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं पहले फॉर्मूला लिखिए कि आप फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं बगल में जरूरत हो वो फॉर्मूला कहां से आया जैसे आपने गॉस लॉ लिखा तो ब्रैकेट में यूजिंग गॉस लॉ या ऊपर यहां हमने ये 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 लिखा तो ये लिखा तो कि ये कहां से आया ये ये एक्सप्लेन कर दिया वैल्यू छाप दी हाफ सी स्क्वायर कहां से आया ये लिखने की जरूरत नहीं ये फॉर्मूला है हमें पता है ये होता ही है वैल्यू छाप दी तो तीनों में ही मैं हमेशा क्या कर रहा हूं फॉर्मूला यूज देन सब्सिट्यूट द वैल्यूज फिर लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट ठीक है दूसरा दूसरे का सॉल्यूशन, ठीक है तो सिंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर विथ स्लैब इन इट इज गिवन एज एप्सलॉन नॉट ई बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय की ठीक है ये हमने फॉर्मूला लिख दिया अब इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं स्लैब ऑफ थिकनेस टी कैपेसिटेंस का एरिया ए है एक्सेट्रा सेपरेशन डी है लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिपेंड करता है कितने नंबर का अदरवाइज अंडरस्टूड है हम ऐसे ही सकते हैं ठीक है

तो बस क्या किया फॉर्मूला यूज हमारे पास गिवन क्या है तो रूल क्या है कि पहले गिवन देख लो एज्यूम देख लो गिवन एंड एज्यूम आप देखें फॉर्मूला यूज सब्सट्यूट वैल्यूज कि गिवन क्या क्या था ये गिवन था ये सीक्वेंट गिवन था लेकिन हमने उस लैंग्वेज को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया कि गिवन नहीं था लेकिन हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क लिख दिया फॉर्मूला यूज ठीक है अंग्रेजी फॉर फॉर्मूला नाउ सब्सूट वैल्यूज हमेशा ऐसे करिए आपको आप देखिए क्या आपने गिवन लिखा है क्या आपने फॉर्मूला यूज लिखा है क्या सब्सट्यूट किए हैं और अगर ये सब किया है तो आपको पूरे नंबर पक्का मिलेंगे ठीक है निश्चिंत रहिए कि आपको न्यूमेरिकल कैसे लिखने हैं हाँ आप ऐसे नहीं कर सकते कि सीधे थ्री सी बाई टू या थ्री टू बाई थ्री इज टू डी माइनस टी वन माइनस वन अपॉन के जो भी था ऐसे करके बाय डी आप सीधे फॉर्मूला कुछ समझाए नहीं कि डी क्या है टी क्या है टू बाय थ्री कहां से आया नहीं कर सकते ऐसे रूल यही है स्कूल में ऐसे लिखिए ठीक है थर्ड क्वेश्चन हाँ फिगर जरूरी है जहां फिगर रिलेवेंट हो वहां फिगर बनाइए जैसे पिछले केस में आप बना देते तो कोई बुराई नहीं थी क्यों क्योंकि अगर आप फिगर बना देते पिछले केस में तो आपको वो अंग्रेजी नहीं लिखनी पड़ती आप लिख देते कंसीडर अ कैपेसिटर विद स्लैबीट ऑफ दिस कैपेसिटर इज एप्सॉन नॉट ए बाई डी माइनस ठीक है तो क्या होगा एग्जामिनर सीधे यहां देखेगा समझ में आ जाएगा कि तुमने समझाया है कि टी क्या है ये क्या है नंबर नहीं कटेंगे फॉर्मूला यूज लिखा ही सब्सिट्यूट कर ही रहे हो, आंसर सही आएगा चलो तो इसमें भी पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे अब इसमें ए और बी आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है ए और बी क्या है ठीक है तो लेटेस्ट कंसीडर लिखने की जरूरत नहीं है, का वो तो है तो ये जो गिवन है उसको आप एज इज ये लिख दिए पे चार्ज कितना है Q1, वन इस पर चार्ज कितना है Q2 टू को एज्यूम नहीं करना है एवरीथिंग इज गिवन ठीक है अब इसमें लिखते हैं तो पहला वैन क्या है बोथ आर कनेक्टेड अब आप जब इसको कनेक्ट करोगे तो आपको ये Q एज्यूम करना पड़ेगा तो ये Q हमें लिखना पड़ेगा लेट Q फ्लोज वेन दे आर कनेक्टेड थ्रू वायर ठीक है नाउ सिंस बोथ आर कनेक्टेड देयर पोटेंशियल शुड बी इक्वल तो पोटेंशियल आएगा तो पोटेंशियल ऑफ इनर शेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ आउटर इनर शेल का क्यू वन माइनस क्यू बाय खुद की वजह से के क्यू टू प्लस क्यू बाय उसकी वजह से इसका के क्यू वन माइनस क्यू बाय के ऑन सोल्विंग क्यू वन माइनस क्यू इक्वल टू चार्जेस आ गए इस पे आ गया जीरो इस पे Q1 वन प्लस क्यू टू तो कंक्लूजन क्या आया होल ऑफ द चार्ज Q1 वन फ्लोस थ्रू द वायर ठीक है तो आपने यहां कहां लिखा लेटर्स एज्यूम जो आपने एक्स्ट्रा चीज एज्यूम की थी क्यू फिर आपने थ्योरी थ्योरी क्या है ये फॉर्मूला हो गया वोल्टेज बराबर होंगे ये सबस्ट्यूट किया लास्ट कि तो में रिजल्ट कि होल ऑफ द चार्ज विल फ्लो थ्रू द वायर सेकंड आउटर इज ग्राउंडेड तो इसमें भी ये क्यू क्यू वन टू माइनस क्यू लेट क्यू फ्लोज थ्रू वायर ऑन ग्राउंडेड नाउ सिंस आउटर शेल इज ग्राउंडेड इट्स वोल्टेज इक्वल टू जीरो तो इसका पोटेंशियल आ गया के क्यू वन बाय बी प्लस के क्यू टू माइनस क्यू बाय बी शुड बी इक्वल टू जीरो मतलब Q इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू और अगर ये फ्लो कर गया तो इस वाले पे Q1 आएगा इस वाले पे माइनस क्यू वन आएगा और यहां से Q1 वन प्लस क्यू टू फ्लो कर जाएगा मतलब क्या कर रहा हूं मैं फिगर बना रहा हूं फॉर्मुला यूज लिख रहा हूं सब्स्यूट कर रहा हूं ये कभी भी न्यूमेरिकल करने के तरीके हैं आपके नेक्स्ट दो तीन पॉइंट और है चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट ये वैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है ठीक है तो इस पर से थ्योरी तो नहीं आएगी अगर गलती से आया तो न्यूमेरिकल आएगा दूसरा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तीसरा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा सीधे फॉर्मूला लिख लो कि इन स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट में कॉन्सेप्ट क्या है कैपेसिटर बिहेव एज

करेंट थ्रू कैपेसिटर इज जीरो एंड एंडहस करेंट थ्रू सर्किट इज इक्वल टू टेन बाय थ्री प्लस टू दो एमपीए यह लिखा नाउ ड्रॉप एक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू ड्रॉप एक्रॉस ओम और ड्रॉप अक्रॉस थ्री ओम कितना है थ्री इंटू टू सिक्स वोल्ट और इसके बाद एनहेंस एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर फिर से फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ कैपेसिटेंस तीन माइक्रो वोल्टेज सिक्स वोल्ट होल स्क्वायर फिफ्टी फोर माइक्रो जूल तो मैंने क्या किया कि जैसे ये क्वेश्चन था तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार आपने करंट कैसे निकाला तो क्योंकि चूंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा यहां से आएगा नहीं बस वही चीज जो सोच रहे हो वो लिख दो ये लिख दिया करेंट सर्किट से कितना आया ये ओम स्लो लगाया ये नाउ ड्रॉप ड्रॉप ऑन कैपेसिटर कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है मतलब ड्रॉप अक्रॉस ओम ये सिक्स वोल्ट वैसे एनर्जी चार्ज पूछा था है ना सभी चार्ज ऑन कैपेसिटर तो इसमें भी Q इक्वल टू सी भी फॉर्मुला यूज C कितना है तीन माइक्रो फेराड वोल्टेज कितना है छह वोल्ट एटीन माइक्रो कूलम ठीक बाकी आपको सैंपल पेपर में मिल जाएगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये तो इसका Q इक्वल टू सी भी वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ चार्ज है और टॉ कितना है आर सी और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है Q नॉट से चालू कर रहा है एक रेजिस्टेंस है तो q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू दावर माइनस टी बाय टॉ कितना है आर सी करेंट लिखते तो यहां डिफ्रेंशिएट कर दें तो V बाय आर ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ करेंट में यहां डिफ्रेंशिएट कर दो और एक नेगेटिव साइन तो ये बना क्यू नॉट बाय टॉ टू पावर माइनस टी बाय टॉ टॉ कितना है आर सी माइनस टी बाय आर सी तो ये ग्रोथ ऑफ चार्ज डिके ऑफ करेंट डिके ऑफ चार्ज एंड डिके ऑफ करेंट करेंट तो दोनों में ही डिके कर रहा है ठीक है तो स्कूल में प्रूफ प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे आपको डिफरेंशियल नहीं बनानी है बस आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं इनके ठीक है और चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट सिंपली कैपेसिटर को ओपन सर्किट मानिए करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व करिए उसके अक्रॉस ड्रॉप लिखिए फॉर्मूले लिखते जाइए हम कौन सा यूज कर रहे हैं छाप दीजिए तो ये छोटा सा पार्ट था आपका कैपेसिटर वाला ठीक है बाकी चीजें आपको कैसे लिखनी है वो जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें आपको हिंट मिलेगी जब उसमें आप सॉल्यूशन देखोगे ठीक है या जब डिस्कशन होगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है ठीक है तो ये कैपेसिटर वाले पार्ट के आपको नोट्स कंप्लीट कर लेना है